जिला बांदा ब्लॉक नरैनी गांव गोपरा। जून 2016 में खबर लहरिया ने इस गांव में टीबी की बीमारी का पर्दाफाश किया। यहां का कल्लू ठीक से सांस भी नहीं ले सकता था। कल्लू की अब मौत हो चुकी है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां टीबी की बीमारी फैल रही है। कल्लू की पत्नी, माँ, भाई और भाभी की भी टीबी से मौत हुई थी। आज कल्लू के पिता खुद बीमार हैं। कल्लू के दो बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जून में सीएमओ बांदा ने हमें गोपरा गांव में जांच कराने का आश्वासन दिया था। इस बार फिर हम सीएमओ के पास पहुँचे और उन्होंने जांच करवाने का वादा किया। बहन जी, तुम जब देख दाख के गए हो तब 15 रोज वो खत्म हो गया है। कल्लू के मरने के बाद अब बीमारी की क्या स्थिति है आपके घर में? मतलब बहन जी, सांस नहीं पाते हैं मारे, खांसी कुल लगे, यही टीबी का यह मर्ज है, खांसी वाला। तो अभी आपको भी है? हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, पूंजी नहीं, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं करते हैं, अपन भोगते हैं, गरीब आदमी। और आपको कब से ये बीमारी का असर? या 4-5 महीने 6 महीने से। तो 100 लोगों में कितने लोग यहाँ टीबी की मर्ज़ से बीमार हैं? यहाँ बीमार हैं 6-7 लोग हैं। और खत्म कितने लोग हो चुके हैं इस बीमारी? खत्म हो गए हैं 8-10, खत्म हो गए हैं। 5 तो यही घर के खत्म, खत्म हो गए। बताइए क्या बीमारी है आपको? यह खांसी ज्यादा होती है, जब तो बुखार हो जाती है, खांसी 2 साल तक होती है। कुछ इलाज कराया आपने? यहाँ सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो गोली के देते रहे हैं, सिरप देते रहे हैं बस। तो कोई जांच वाँच कराई आपने कुछ? कौन है कर, बस सरकारी अस्पताल जाते रहे, पैसे गरीब आदमी से पैसे से रहे, नहीं तो कहाँ जाँच कराओ। टीबी है आपको? कब से है? काफी दिनों से पेट। कितने साल हो गए? 3-4 साल से पेट जाता है। बताइए अपनी बीमारी के बारे में। बीमारी के बारे में ऐसा है कि खांसी और कफ निकलता है। कब से ये प्रॉब्लम है? इसमें करीबन हो गए होंगे 2 साल हो गए। तो कहाँ कहाँ पे इलाज करवाया आपने? इलाज हम वहाँ करवाया है नायगांव का। किसने दिया है इसको? आशा बहू। तो इसमें कितनी गोली होती है? 7। तो ये क्या गोली एक खुराक होती है इतनी? एक खुराक में दिया है, मतलब एक बारी में इतनी गोली खा ली पड़ती है? हाँ, एक बार। तो आप खाते हैं इनको? हाँ। अभी क्या है, अभी बंद कर दिया है? अभी चक्कर उक्कर ज्यादा आने लगा इसलिए बंद कर दिया था, दूध नहीं होता था ना मेरे पास। तो आपके गांव में टीम आती है कभी डॉक्टरों की? टीम नहीं आती है। आपने कभी इसके लिए कहीं पे कहा कि? इसके लिए प्रधान से, लोग से कहा, जो प्रधान है गांव का उससे कहा, तो प्रधान बस हवा को ही देता है, बस वो सुनता कुछ है जो नहीं। जो यहाँ आशा बहु हैं उनसे कभी ऐसी कुछ जानकारी मिली टीवी? अब यहाँ पोरवा में रहते हैं तो यहाँ पोरवा में आते नहीं है, गांव वाले लोग यहाँ भेजते नहीं, लेवा के आते नहीं हूँ, गाँव यहाँ सो गाँव से वापसी कर दिया वहाँ। तो यहाँ पोरवा वाले कोई मालूम नहीं कि गाँव में को आया कौन नहीं आया। अभी तक में कितने लोग आपके यहाँ आ चुके हैं डोज खाने के लिए? हमारे यहाँ अधिकतर, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आशाओं के यहाँ डिब्बे चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आशाएं गांव में ये काम पूरी तरह से कर रही हैं? जब हम वहाँ जाकर देखते हैं, मरीजों से भी मिलते हैं, जाकर देखते हैं तो कह रहे हैं नहीं, मरीज हम दवा खा रहे हैं उनके घर से, अगर कार्ड भी देखते हैं। उपाय यही है कि जो है समय रहते, जैसे हमारा वजन घट रहा है या शाम को बुखार आ रहा है, तो उसको हल्के मन ले के हमको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या नज़दीकी जो भी आपके आसपास जानते हैं उससे संपर्क करके उसके हमें समस्या का निराकरण करना चाहिए। और यदि वो बताता है कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जांच कराएं, तो लापरवाही ना करके तुरंत जाके जांच कराएं। आजकल हर स्वास्थ्य केंद्र में CSC लेवल में इसकी सुविधा है, बलगम की, एक्सरे की सब सुविधा है, वो जाँच कराएं। जिस गोपरा गांव में जिस तरह से बीमारी फैली है टीबी की, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर लोग बराबर मर रहे हैं। नहीं, हमको ऐसी स्पेसिफिक सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जिला शहरों के करीब से बोलूंगा यहाँ इस गांव की जांच करके, सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट देने। जिस तरह से जागरूकता की कमी है, कार्यक्रम चलते हैं, डार्ट्स जैसे कार्यक्रम इतने अच्छे और सक्सेस चलते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब इस गांव की जिसके आप चर्चा कर रही हैं, इसके विषय में डार्ट्स प्रोग्राम वैसे हमारा बड़ा लोकप्रिय और पॉपुलर प्रोग्राम है। अब इस गांव में क्या समस्या है, जरूर कुछ शिक्षित लोग होंगे, मैं उनको इस अभियान में, जो हमारे जन जागरूकता वाले अभियान है,
और स्वास्थ्य शिक्षा वाले अभियान में इसमें हमें टीम भेज के एक अवश्य कार्रवाई करवाऊंगा। हमारी रिपोर्ट के फौरन बाद उन्होंने गोपरा गांव के प्रधान के साथ मिलकर कार्यवाही की। गांव में डिग्गी पिटवाकर जांच कैंप लगवाया। स्वास्थ्य विभाग को 14 मरीज मिले जिनकी टीबी की जांच की स्लाइड बनाई गई, बाकियों को दवाई दी गई, बीमारी के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किया। स्वास्थ्य विभाग अपनी निगरानी में अब वहां इलाज चलाएगा। विभाग ने इस तरह की बीमारियों को खोजने के लिए खबर लहरिया से मदद मांगी है।